हे क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडेस टॉपिक अबाउट वायरस। हम देखते हैं वायरस क्या होते हैं। वायरस के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वायरस होते हैं वो कौन कौन से वायरस के बारे में हम नॉर्मली बात करते हैं। जैसे अभी इंस्टेंट हमारे चल रहा है कौन सा, कोरोना वायरस चल रहा है। तो जो कोविड होता है वो किसकी वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से होता है। तो हम यही जानना चाहते हैं इस वाली क्लास के अंदर कि वायरस क्या होता है। जो हमारा फ्लू होता है वो भी किसकी वजह से होता है? जो जुकाम लग जाती है वो भी फ्लू जो होता है वो किसके कारण होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। तो बहुत सारी डिजीज हैं जो कि किसके कारण होती है भाई? वायरस के कारण होती है। तो ऐसा कोई वायरस नहीं है जो प्रॉफिट में काम आता है। सारे जो वायरस होते हैं ना वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं एंड कैसे होते हैं? इन्फेक्टेटिव होते हैं, संक्रमणकारी अवस्था के अंदर रहते हैं। ठीक है, वायरस से समझ में आ गया हम किसके बारे में बात करेंगे? कोरोना वायरस, राइनो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, वेरियोला वायरस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में देखेंगे। वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे एंड हम देखेंगे वायरस जो है किन किन चीजों से मिलकर बना रहता है। वायरस जो है उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं उस बारे में हम इस क्लास की में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है वायरस। ठीक है, अब बात कर लेंगे वायरस जो वर्ड था वो किसने दिया था। वायरस वर्ड हमें दिया था पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने दिया था एंड वेनम। वायरस जो होता है ना वो लिया गया है वेनम वर्ड से। आपने वेनम के बारे में जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर जो रोग जो विष होता है उसकी बात करते हैं जब हम वेनम के बारे में देखते हैं, तो वेनम का जो अर्थ होता है वो होता है पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन। तो इसीलिए पास्टर ने जो है वो इसे नाम दिया वायरस, क्योंकि वायरस का जो लिया था वो लिया था वैनम से। और वैनम का मतलब क्या होता है? पॉइजन। और जो वायरस होता है वो हमारे लिए कैसा होता है? पॉइजिनस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिस साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर की वायरस की स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? नाम से है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहा जाता है जिस ब्रांच के अंदर वायरस की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस जो वर्ड था वो हमें किसने दिया था? पास्टर ने दिया था। वेनम से लिया गया है। वेनम का मतलब होता है टू पॉइजिनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वायरस होते हैं ना उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, क्या वो, क्योंकि जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या तो जो है वो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा? बहुकोशिकीय होगा तो कैसा होगा? या तो उसके अंदर ऊतक संगठन पाया जाएगा, अंग पाए जाएंगे या अंग तंत्र पाया जाएगा। तो हम बात करते हैं वायरस के कोशिकीय संगठन की। तो वायरस का जो कोशिकीय संगठन होता है वो होता है अकोशिकीय। मतलब मिनिमम हमने क्या देखा था जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे कि जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो हमने मिनिमम देखा था कि या तो एक कोशिकीय संरचना हो सकती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कोशिकीय हो सकता है। इसे बोलते हैं ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब है ये नहीं है कि एक कोशिका है। ए सेलुलर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है कोशिका जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यदि अकोशिकीय है मतलब कोशिकीय संगठन जो है वो एबसेंट है, सेल नहीं है। तो ये इसे क्या बोलेंगे? सिंपल टाइप, सरल प्रकार का होता है। अब मुझे बताओ ये जो वायरस है वो सजीव है होगा या निर्जीव होगा? क्योंकि हमने बात करी इसके अंदर तो कोशिकीय संगठन ही नहीं पाया जाता। तो वायरस जो होता है वो होता है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच की कड़ी होगी ये। पर हम बात करते हैं, दो बातें कर ली तो हम अभी इसी में आगे देखेंगे कि हम इसे लिविंग भी बोल रहे हैं और नॉन लिविंग भी बोल रहे हैं। तो हम पहले लिख देते हैं कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये इंपॉर्टेंट है, सजीव और निर्जीव के बीच की जो इकाई है, जो कनेक्टिंग लिंक है, जो योजक कड़ी है वो कौन होता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है हमारा वायरस। कि वायरस के अंदर भाई ऐसी चीजें प्रेजेंट होगी जो कि सजीवों से भी समानता रखती है, निर्जीवों से भी समानता रखती है। तो शाखा कौन सी हो गई? वायरोलॉजी हो गई। ये जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं ना ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं जो वायरस होते हैं ना जब हमारे बाहर एनवायरमेंट
रहते हैं, जैसे हम हैं यहाँ पर, तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसके अंदर जब वायरस रहता है तो वो कैसी फॉर्म में रहता है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसे बोलते हैं रवेदार फॉर्म में रहता है। इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का वर्ड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है वायरस। जब जो होस्ट सेल है किसी परजीवी जिसके अंदर वो रह रहा है उससे बाहर रहता है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। और कैसा होता है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग रहता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है। लेकिन जब कोई सजीव कोशिका आ जाती है जिसके अंदर वो एंट्री कर लेता है तो फिर वो व्यवहार करता है पैरासाइट की तरह। तो मतलब यदि वायरस को अपने अंदर की मेटाबॉलिज्म या जेनेटिक क्रिया पूरी करनी है तो उसे हमेशा ये फिक्स है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या देखा था हमने? ऑब्लिगेट मतलब होता है बाध्य, ये फिक्स है भाई, उसे यदि काम करना है तो उसे किसी पैरासाइट या होस्ट सेल के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं है वो प्रॉफिटेबल होता है, वो कैसा होता है? इन्फेक्टेटिव होता है, मतलब इन्फेक्शियस होता है, संक्रमणकारी होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वायरसेस के अंदर कौन कौन से तो लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं और कौन कौन से जो है वो नॉन लिविंग के होते हैं। ठीक है, किसने दिया था वायरस जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने। जब हम डिस्कवरीज पढ़ेंगे वायरस के अंदर तो आगे तीन साइंटिस्ट देखेंगे कि खोज किसने करी थी। तब हम देख लेते हैं कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है तो किस वजह से बोला जाता है। फर्स्ट टॉपिक बात करते हैं कि वायरस के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से उसे लिविंग कहा जा रहा है। तो मैं बात करती हूँ वायरस के अंदर जो है जेनेटिक मटीरियल होता है या नहीं होता, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जेनेटिक मटीरियल, ये उसका हेड होता है, नेक होती है, कॉलर होती है और यहाँ पर होता है डीएनए। ये मैंने बनाया बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बनाई जो जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। जब हम एचआईवी वायरस की बात करते हैं तो एचआईवी वायरस के अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहता है। तो लिविंग्स का कैरेक्टर हो गया ना, ये लिविंग्स का कैरेक्टर हुआ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल तो सजीवों के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट रहता है। सेकंड नंबर पे जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? म्यूटेशन। आप लोगों को पता होगा जो कोरोना वायरस निकला था ना, वो लैबोरेटरी के अंदर वो वायरस के अंदर म्यूटेशन करवा रहे थे। उसे म्यूटेशन करवाने की वजह से एक ऐसा वायरस जनरेट हो गया जो कि कैसा हुआ, हो गया एपिडेमिक हो गया, जिसकी वजह से जो है महामारी आ गई। तो लिविंग्स का कैरेक्टर इसके अंदर वायरस के अंदर आएगा कि म्यूटेशन प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट रहता है, साथ में रेप्लिकेशन कर सकते हैं। रेप्लिकेशन कर सकते हैं ना, जब ये पैरासाइट या होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं तो रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये पैरासाइट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई निर्जीव कोशिका जो है वो पैरासाइट हो सकती है, सजीवी पैरासाइट हो सकते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, म्यूटेशन प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटीरियल जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। आप मुझे बताओ एंजाइम किसका कैरेक्टर था? जब हमने जो सजीवों की कैरेक्टर अभिलक्षण गुणों की बात करी थी जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट रहता है, तो जो हमारे वायरस हैं, वायरस कैरेक्टर की तो बात कर रहे हैं कि कौन सा लिविंग से समानता रखता है, कौन सा नॉन लिविंग से समानता रखता है। तो एंजाइम की बात करते हैं तो वायरस के अंदर एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है बताओ? एचआईवी के अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो वही एंजाइम में प्रेजेंट है इसके अंदर। तो एंजाइम किसके अंदर होगा? जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी, और मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है इसका मतलब वो कैसा करैक्टर होगा? लिविंग्स का होगा। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं भाई से, इसके अंदर क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। कोई भी सजीव कोशिका क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह सकती है क्या? नहीं रहती। लेकिन जब ये होस्ट सेल से बाहर रहता है, होस्ट सेल के बाहर, हमारे यहाँ वातावरण के अंदर बहुत सारे वायरसेस प्रेजेंट है, लेकिन जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर या किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं चले जाते तब तक वो इन्फेक्शियस नहीं होते। तो होस्ट सेल से बाहर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर ना सेल मेम्ब्रेन है ना सेल प्लाज्म है। तो हमने जो अभिलक्षणी गुणों की बात करी थी तो हमने बोला था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है किसी सजीव, छोटे से छोटे सजीव के लिए भी। तो ना तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना सेल प्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अंदर तो सिर्फ एक प्रोटीन का आवरण और क्या रहता है? जेनेटिक
मटेरियल। तो ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, इसकी जो डेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना क्यों वायरस को जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स बोला था। ये इसके कारण होते हैं कि जो वायरस है जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं जाता तब तक तो वो कैसा व्यवहार करता है, नॉन लिविंग सेल का व्यवहार करता है। जब वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो लिविंग का व्यवहार करता है, सेल के अंदर क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है, उसके बाद क्या करता है, उसको ब्रस्ट कर देता है, उसको फाड़ देता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन हो गया कि क्यों बोलते हैं सजीवों का। अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरीज की, कि किस किस ने वायरसेस के अंदर कौन कौन सी खोज करी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला था। ये जो सारे टॉपिक है एनसीईआरटी से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। फर्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं वो आता है इवानोवस्की। इन्होंने क्या करा था इवानोवस्की ने, इवानोवस्की के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। इवानोवस्की ने करी थी वायरस की खोज करी थी इवानोवस्की ने। वायरस जो वर्ड था वो किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने। सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट आएंगे वो आएंगे बिजरिंग एक साइंटिस्ट है, और थर्ड आएगा हमारा स्टैनले। अब हम बात कर लेते हैं कि इन लोगों ने किया क्या क्या था, कि क्या क्या बातें बताई थी इन लोगों ने। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो वायरस वर्ड था वो हमें दिया था लुईस पाश्चर ने। वायरस की जो खोज करी थी, जो डिस्कवरी ऑफ वायरस था, उसका श्रेय जाता है इवानोवस्की को। अब बात करते हैं कि भाई अब इसके पीछे स्टोरी है कि इवानोवस्की जो थे उन्होंने वायरस की खोज कैसे करी। क्या वो वायरस को ढूंढने जा रहे थे? जब भी किसी चीज की खोज होती है ना तो वो इंस्टेंटली होती है, ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में हम जाते जाते और हमें उसकी खोज हो जाती है। तो ये क्या है ना, जब हम टॉपिक को मौजूद एक डिजीज होता है, एक कौन सा डिजीज के बारे में बात करेंगे तीनों डिस्कवरीज में, टॉबेको मोज़ेक डिजीज, टॉबेको मोज़ेक डिजीज TMD, जो किसके कारण होता है, TMB के कारण, टॉबेको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। तो वो ये देखने वाले थे कि जो तंबाकू की पत्तियां हैं उसके अंदर जो मोज़ेक बन जाता है वो किसके कारण बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा था, तंबाकू की जो पत्तियां ली, टॉबेको मोज़ेक जो होगा वो किसके अंदर होगा, तंबाकू के अंदर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो उन्होंने क्या करा, सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, जो संक्रमित पत्तियां थी, तंबाकू की संक्रमित पत्तियां ली, संक्रमित लीव ली, उन्होंने उसका जो सॉल्यूशन था ना उसको किसके अंदर डाला था भाई, यहाँ जो उन्होंने फिल्टर लिया ना वो लिया था बैक्टीरियल रोधी, मतलब ऐसा फिल्टर काम में लिया जिसके अंदर से वो ये देखना चाह रहे थे कि ये जो टॉबेको मोज़ेक डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या किसी और कारक की वजह से हो रही है। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने एक संक्रमित पत्तियों का जो सॉल्यूशन लिया उसके बाद उन्होंने बैक्टीरियल रोधी के ऊपर उसको डाला। यदि मान लो ये बैक्टीरिया होते तो ये क्या करते, ऊपर उठ जाते, पर ये जो थे ना उनसे भी छोटे आकार के थे और इधर आ गए, नीचे निकल गए। तो उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो कि टॉबेको मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहा है, और उन्होंने उसको बोला वायरस, और वर्ड हमें दे दिया था पाश्चर ने। क्लियर है? ठीक है, किसने बताया था, इवानोवस्की ने खोज करी। अब हमारे सेकंड साइंटिस्ट आते हैं बिजरिंग। ध्यान रखना ये बी से स्टार्ट होता है, इवानोवस्की तो याद ही रहेगा, VI इसको बोलना, VI इसको बोलेंगे, BC। बिजरिंग ने हमें एक चीज दी थी कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम। एनसीईआरटी की लाइन है कि बिजरिंग के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, जो हमारे टीएमवी की संक्रमित पत्तियां थी ना उनका है ना वो निकाला, निष्कर्ष या सॉल्यूशन, मतलब उन्हें पीसा और उसका जो सॉल्यूशन था ना वो निकाला, पत्तियों का सॉल्यूशन निकाला, एंड उस सॉल्यूशन को क्या करा, जो वे पत्तियां जो कि संक्रमित नहीं थी उनके ऊपर डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि सॉल्यूशन की वजह से जो बिना संक्रमित पत्तियां थी ना वो भी संक्रमित हो गई, तो इस वजह से उन्होंने बोला
विषाणुकारी द्रव, जो कि कैसा होता है, कंटेजियस मतलब इंफेक्शियस होता है, बायो मतलब वायरस और फ्लूइड मतलब द्रव। टीएमपी संक्रमित पत्तियों का सॉल्यूशन को इन्होंने बोला कंटेजियम एवं फ्लूइडियम, और इसको कैसे याद करेंगे, बीसी से, बी मतलब विजयलिंग एंड सी मतलब कंटेजियम एवं फ्लूइडियम दिया था इन्होंने। अब हम बात करते हैं स्टैनली की, कि स्टैनली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, स्टैनली ने क्या बताया था, स्टैनली ने बताया था इसमें हम देखेंगे क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन। स्टैनली को याद करना, स्टैनली ने करे थे क्रिस्टल बनाए थे, स्टैनली ने क्या करा था, क्रिस्टल बनाए थे इन्होंने, है ना, जो टीएमवी से टीएमवी को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया था। तीनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, तीनों के तीनों एनसीईआरटी के हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि कंटेजियम वायरम फ्लूडियम जो है कौन सा साइंटिस्ट ने दिया, वायरस की खोज इवानोवस्की ने करी थी, एंड जो वायरस थे उन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन से साइंटिस्ट ने प्राप्त किया था, तो किसने करा था, हमारे स्टैनले ने। वीआई वायरस की खोज सबको याद है, इवानोवस्की ने करी, वायरस वर्ड हमें दिया था पाश्चर ने, एंड जो विजरिंग है, विजरिंग ने क्या करा था, कंटेजियम वायरम फ्लूडियम दिया था। उन्होंने बोला कि जो संक्रमित पत्तियों का सॉल्यूशन है वो असंक्रमित पत्तियों को भी संक्रमित कर सकता है, और स्टैनले जो थे, स्टैनले ने जो टीएमवी का जो सॉल्यूशन था उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त करा था। ठीक है, उस ये सारी डिस्कवरी हो गई, हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। भाई कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य नहीं होता, कोशिका झिल्ली नहीं होती, तो ये तो बताओ हमें कि कैसा दिखाई देता है, फिर नहीं होती तो फर्स्ट हम देखते हैं टीएमवी, एंड सेकेंड हम देखेंगे बैक्टीरियो फेज। बैक्टीरियो फेज क्या है, टीएमवी क्या है, टीएमवी क्या होता है, टीएमवी का फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या कोर्स करता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज। एंड बैक्टीरियो फेज किसके ऊपर आक्रमण करता है, बैक्टीरिया पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हम बना रहे प्रोटीनिक रक्त आवरण, और ये हमने बना दिया टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज कैसा दिखाई देता है। बैक्टीरियोफेज दिखाई देता है कुछ इस तरह का, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चलो बात करते हैं कि ये हमने बना क्या दिया भाई। ये हमने बनाया जितने भी वायरस होते हैं उनके अंदर सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट नंबर पर आता है प्रोटीन आवरण, प्रोटीन एनवलप, एंड जो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एंड फर्स्ट आता है प्रोटीन एनवलप। प्रोटीन एनवलप को बोलते हैं कैप्सिड, क्या बोलते हैं, कैप्सिड, एंड कैप्सिड की यूनिट होती है कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, ये याद रखना। कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड होता है वायरस का प्रोटीन आवरण, एंड कैप्सोमियर क्या होता है उसकी यूनिट, मतलब एन लगा दो, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड। ये हमने जो डिफरेंट कलर से बनाया है ये क्या है, ये है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल टीएमवी। अब हम बात की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन बोलने वाली हूँ, कि जो पादप विषाणु होते हैं ना, जितने भी पादप विषाणु होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। टीएमवी कैसा है, पादप विषाणु है, जितने भी पादप विषाणु होते हैं मोस्टली, इसके इन सबके एक्सेप्शन प्रेजेंट है, लेकिन जितने भी पादप विषाणु होते हैं उन सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है कि पादप, मोस्टली पादप विषाणु का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किससे बनकर बना रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से। जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है,
इसकी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है सर्पिल आकार, सर्पिल आकार दिखाई दे रहा है। तो फिर इसको जो इसकी संरचना होगी टीएनए की वो कैसे होगी, सर्पिल आकार होगी। बाहर जो इसका ये जो है वो क्या होगा, कैप्सिड होगा। कैप्सिड किससे मिलकर बना होगा, ये यूनिट्स जो होंगे वो होगी कैप्सोमियर। और ये क्या होगा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये होगा इसका जेनेटिक मटेरियल। ये टीएनए की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके अंदर सबसे पहले ये ऊपर हमने क्या बनाया हेड, और ये क्या है ऑब्वियसली कैप्सिड होगा क्योंकि आवरण से दिखाई दे रहा है आपको जो कि जेनेटिक मटेरियल को कवर करे हुए हैं। तो इनके अंदर क्या है ना आवरण प्रेजेंट रहता है, ऐसा तो है नहीं कुछ। यहाँ पर आपको कोशिका झिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है, केंद्रक दिखाई दे रहा है। इसलिए इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, एक कोशिकीय प्रकार का था। तो ये होता है हेड, उसके बाद आती है हमारी नेक, नेक फिर आता है हमारा कॉलर। ये जो गोल संरचना है उसे बोलते हैं टेल। ये है हमारी बेसल प्लेट। एंड ये क्या है, उच्च तंतु जिन्हें बोलते हैं पिन, सिक्स पिन प्रेजेंट रहती है। क्लियर है ना, सबसे ऊपर की साइड हमने क्या बना दिया, हेड फॉर्म कर दिया। हेड बोलेंगे पूरी संरचना को। इसके बाद आता है नेक, उसके बाद आता है कॉलर, उसके बाद आता है टेल, उसके बाद आता है बेसल प्लेट एंड आता है पिन। ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है, एनसीईआरटी का नोटेशन है। तो वो पूछ सकता है एरो लगाकर कि बताओ भाई यहाँ पर नेक और कॉलर का डिफरेंस याद रखना, नेक ऊपर आता है फिर कॉलर आता है। ये बीच में हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ध्यान, जिस तरह से टीएनए के अंदर पादप विषाणु के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसी प्रकार से जितने भी बैक्टीरियोफेज है उनके अंदर सामान्यतः पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गए कि प्रोटीन आवरण क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, और जो टीएनए है जो पादप विषाणु है उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल मोस्टली पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एंड जो बैक्टीरियोफेजेस है उनके अंदर मोस्टली पाया जाता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हम एक छोटा सा नोट देख लेते हैं कि यहां तक क्लियर है ना, उसके बाद हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिकीय आवरण ही पाया जाएगा, कई जो वायरस होते हैं ना जैसे कि हर्पिस वायरस जो है, जो हमारा हर्पिस वायरस होता है, हर्पिस वायरस एंड सेकेंड हमारा हम देखते हैं जैसे टीएनवी या बैक्टीरियोफेज। हर्पिस वायरस जो होता है ना उसके ऊपर प्रोटीन आवरण के साथ ये हमने क्या बना दिया, प्रोटीन एनवेलप। ये हमने क्या बना दिया, जेनेटिक मटेरियल। इसके ऊपर एक अन्य आवरण पाया जाता है, अन्य आवरण पाया जाता है जिसकी इकाइयां होती है पैप्लोमियर। ध्यान रखना है एनसीईआरटी में तो नहीं है पर पूछा जा सकता है कि क्या सारे आवरणों के अंदर सिर्फ प्रोटीन एनवेलप प्लस जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो हर्पिस वायरस है उसके अंदर पैप्लोमियर एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है। यह अतिरिक्त आवरण आप बताओ वायरस का होता है या फिर होस्ट सेल का होता है। तो नॉर्मली जो यदि प्रेजेंट रहेगा, यदि नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो इसके ऊपर एक थर्ड आवरण ये एनवेलप एब्सेंट रहता है। ये जो एनवेलप है ये एब्सेंट रहता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो होस्ट सेल की लिपिड शुगर एंड वायरस के प्रोटीन मिलकर ये एनवेलप बना लेती है, जो कि कुछ वायरसेस के ऊपर पाया जाता है, जैसे वो एग्जांपल है हर्पिस वायरस। एंड टीएनवी एंड बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने बात कर ही लिया, टीएनवी एंड बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होगा, नॉर्मल कैप्सिड प्रेजेंट रहेगा एंड क्या होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर जो भी जेनेटिक मटीरियल उसके अंदर प्रेजेंट है वो जेनेटिक मटीरियल इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है, वायरस समझ में आ गए। वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संक्रमणकारी होते हैं। ठीक है, अब एक नोट लगा के चीज लिख लेना
कि जब है ना कोई सजीव कोशिका, जैसे हमारी कोशिका है, हम इम्यूनिटी की बात करते थे, हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है, सेम ऐसे क्या होता है जब किसी सजीव कोशिका के अंदर वायरस जो है एंट्री कर लेता है, ये हमने क्या बना ली, लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर जब वायरस एंट्री कर लेता है ना, तो पास वाली जो कोशिका है, सेम ऐसे कैंसर के केस में होता है, जो पास वाली कोशिका है वो संक्रमित ना हो, वो संक्रमित ना हो, इसलिए जो कोशिका संक्रमित हुई है ना वो एक कारक निकालती है, इंपॉर्टेंट है, उस कारक को बोलते हैं इंटरफेरोन। उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन, इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये इंटरफेरोन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि क्या करता है, जो संक्रमित वायरस से संक्रमित कोशिका होती है वो अपने आसपास की कोशिकाएं संक्रमित ना हो, इसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करती है, जिसे बोलते हैं इंटरफेरोन, जो कि पास वाली कोशिका को संक्रमित होने से रोकता है। और जो ये थर्ड एनवेलप प्रेजेंट रहता है, इसकी इकाई क्या है? पैप्लोमियर। पैप्लोमियर क्यों बोल रहे हैं? इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड एंड शुगर प्रेजेंट रहता है। लिपिड एंड शुगर तो किससे मिलते हैं? होस्ट कोशिका से मिलते हैं, और जो ये प्रोटीन है वो वायरस का होता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम देखते हैं वायरस जनित रोग, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बाकी जो वायरस जनित रोग है वो हम डिजीज के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा मम्स। वायरस से होने वाले रोग एनिमल्स के अंदर या जंतुओं के अंदर, मानव के अंदर एंड कुछ प्लांट्स के अंदर। मम्स हो जाता है, उसके बाद चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, हर्पेस हो जाता है, हर्पेस हो जाता है, एड्स हो जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से। हर्पेस किसकी वजह से होता है? हर्पेस वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स होता है वेरियोला वायरस की वजह से। एंड मम्स किसकी वजह से होता है? मिक्सो वायरस। ये कुछ रोग हो गए जो कि, जैसे अब इसमें तो हम देख सकते हैं जुकाम भी होता है, फ्लू भी होता है, ये सारे वायरस की वजह से होते हैं। तो वो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा रोग जो है वायरस की वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है। और हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जैसे मोजेक बनना, मोजेक बनना, शिरा स्पष्टता, शिरा मतलब वेन जो है, वेन जो है ना वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। आपने कुछ पत्तियों के अंदर देखा था कुछ जो है बोने रह जाते हैं, बोने रह जाना, ऊपर से ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो इन्फेक्शन होते हैं, और प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर रोग पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी से वायरस कंप्लीट हो गया।